हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य का और हमने मध्य का के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन किया था। अब हम आज व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में इंडिविजुअल सीरीज से हमने क्वेश्चन किया था व्यक्तिगत श्रेणी और अब हम मध्य का को खंडित श्रेणी से करेंगे। खंडित श्रेणी और मैंने आपको खंडित श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था। सबसे पहले हम स्मॉल एन ज्ञात करेंगे। सूत्र इसका साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टूथ आइटम। तो एन प्लस वन अपॉन दोवें पद का आकार जो है ये मध्य का संख्या होती है। वही सूत्र है जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर लगाया, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर भी यही फॉर्मूला होता है और खंडित श्रेणी के अंदर भी यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन इस श्रेणी के अंदर जो खंडित श्रेणी है इसके अंदर मूल्य के साथ में आवृत्तियां भी दी होती है। मूल्य के साथ में क्वेश्चन के अंदर आपको आवृत्ति भी दी होगी, इसलिए हमें संचय आवृत्ति याद करनी पड़ेगी। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। इसकी जो प्रोसेस है वो इस तरह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो हमें जो सीरीज दी हुई है उसको एक क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले एक क्रम, चाहे तो वो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर आप इसको अवरोही क्रम, अगर पहले से वो एक ऑर्डर में व्यवस्थित है तो जैसा क्वेश्चन है वैसे कर देंगे हम। तो सर्वप्रथम हम इसको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, चाहे बढ़ते क्रम में कीजिए या घटते क्रम में कीजिए। इसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर जो आवृत्ति दी होती है, उससे हम संचय आवृत्ति ज्ञात करेंगे। संचय आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे इसमें। तो संचय आवृत्ति एफ को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सी एफ में संचय आवृत्ति बनाएंगे। और फिर संचय आवृत्ति ज्ञात करने के बाद में ये फॉर्मूला लगाकर हम ये पद ज्ञात करेंगे कि वो कौन सा पद है जो एकदम सेंटर में है। तो उस पद को ज्ञात कर हम ये देखेंगे कि पहली बार वो पद किस सीएफ में शामिल हो रहा है। जिस सीएफ में शामिल होगा उसके सामने वाला मूल्य ही हमारी मध्य का होगी, कैपिटल एम होगा। तो तीसरा काम हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्मॉल एम का मान आएगा, सबसे तीसरे पॉइंट में स्मॉल एम का मान ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से। फिर इस स्मॉल एम की जो भी पद संख्या हमारी बनेगी, जिसे मध्य का संख्या कहते हैं, वो एकदम सेंटर का मूल्य होगा। उसके सामने वाला मूल्य जो है, ठीक है, मतलब प्रथम बार किस सीएफ में ये स्मॉल एम शामिल हो रहा है उसके सामने वाला मूल्य जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल एम कहलाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर भी वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एक चीज जो ऐड करने वाली है वो यही है कि इसमें हमें सी एफ संचय आवृत्ति जो है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला की माथिका ज्ञात कीजिए। इसमें एक तो पद दे रखे हैं 2 से लेकर 10 तक, पद जो है मूल्य या पद जो भी है, पद जो दे रखे हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दे रखे हैं, 10 तक दे रखे हैं। इसी तरह से इनमें देखो पद के साथ में आवृत्ति जो है, इनकी संबंधित आवृत्तियां दे रखी हैं वो है 2, 3, 8, 10 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 12, 16, 10, 8, 6, 8, 6 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी श्रेणी का, खंडित श्रेणी का। खंडित श्रेणी क्यों है, क्योंकि मूल्य जो है उसके साथ में आवृत्तियां भी दी हुई है। अगर हमें केवल मूल्य दिए होते तो व्यक्तिगत श्रेणी बन जाती, अगर इन मूल्यों के साथ में आवृत्ति भी दी हुई है तो खंडित श्रेणी। खंडित इसलिए क्योंकि बीच में मूल्य जो है इसमें टूट रहे हैं, 2 से 3 के बीच वाले नहीं पता, 3 से 4 के बीच का पद हमें नहीं पता, तो ये श्रेणी जो है ना वो खंडित है। अगर यही श्रेणी आपको सतत रूप में बनानी हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर कोई भी मूल्य बीच में छूटेगा नहीं, 0 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 0 से लेकर लास्ट जो 10 तक सारे मूल्य आ जाएंगे। लेकिन हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, खंडित श्रेणी का, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहला काम क्या करना है,
सर्वप्रथम हमें इसको एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा और वो ऑर्डर बढ़ता या घटता हुआ कोई भी हो सकता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, कहीं ऑर्डर इसका मत देख लेना क्योंकि ये तो आवृत्ति है, कम ज्यादा ऊपर नीचे या बीच में ज्यादा हो सकती है, ऊपर की तरफ दबाव हो सकता है, तो आवृत्ति घनत्व कैसा भी हो सकता है इसको नहीं देखना अभी, हमें देखना है पद को, मूल्य को देखना है। एक्स जो है हमारा एक सही क्रम में चल रहा है, यानी कि जो पद है या मूल्य है बढ़ते क्रम में है, अगर ये अव्यवस्थित होता तो इसको हम व्यवस्थित करते, व्यवस्थित करते समय सपोज करो कि 8 ऊपर होता 7 नीचे होता तो इसको व्यवस्थित करना पड़ता, व्यवस्थित करते समय उसकी संबंधित आवृत्ति भी बदलेगी, मतलब 8 अगर 8 ऊपर होता 7 नीचे होता तो इसकी आवृत्ति भी उस मूल्य के साथ में ऊपर या नीचे हो जाती है। तो ये आपको सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में लगाना है, चाहे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये क्वेश्चन एक ऑर्डर में पहले से ही ऑलरेडी है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहला काम नहीं करना। अब सेकंड देखो, आवृत्ति से हम संचयी आवृत्ति याद करेंगे, संचयी आवृत्ति जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, आवृत्तियों का संचय करते जाइए, आप जोड़ते जाइए उसको। देखो तो दो थी पहली आवृत्ति, दो के अंदर तीन का और संचय कर दिया हमने, जोड़ दिया इसको तो 5, इस 5 के अंदर यानी 2 + 3 + 8 और जुड़ गया, ये हो गया 13, 13 में हमने 10 जोड़ा 23, 23 में 12 जोड़ा 35, 35 और 16 51, 51 और 10 61, 61 और 8 हो गई ये 69, 69 और 6 75 हो गया। जो लास्ट हमारी CF होगी, लास्ट CF हमारी कितनी है 75, वही हमारा N का मान होता है, यानी कि यही आवृत्तियों का योग है, इन आवृत्तियों का योग लास्ट CF के बराबर ही होगा क्योंकि हमने संचय किया है, हमें सिर्फ यही मान चाहिए N का। अब हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, स्मॉल n बराबर इसके अंदर n+1/2 वे पद का आकार, पद का आकार ये ज्ञात करेंगे, वो पद कौन सा है वो ही देखना है हमें, n हमारा कितना है 75, यानी कि आवृत्तियों का योग ही है ये 75 + 1/2 वहां पद। अब ये स्मॉल n जो है 76 में 2 का भाग दिया, 38वां पद आया। अब आपको क्या करना है, 38वां पद चौथा स्टेप हमें क्या करना है, कि स्मॉल n मध्य का संख्या जो है, जो 38वां पद आ रहा है, हम देखेंगे कि इस संचयी आवृत्ति में पहली बार कहां शामिल है, दो बहुत छोटा मूल्य रह गया, 5 छोटा मूल्य है 38 से, तो यहां देखो ये सबसे पहली बार किसमें शामिल है, 51 में शामिल है, हालांकि शामिल तो 61 में भी है, 69 में भी है, 75 में भी है, लेकिन सर्वप्रथम पहली बार जो है ये 38वां पद किस CF में शामिल है, ये संचयी आवृत्ति 51 में शामिल है। इसके सामने वाला जो मूल्य है हमारा ये कैपिटल M कह रहा है, देखो मध्य का या औसत हम समांतर माध्य याद करते हैं, बहुलक याद करते हैं, वो मूल्य हमेशा इसमें से होता है, ठीक है, तो यहां संचयी आवृत्ति 38, संचयी आवृत्ति में 38वां पद पहली बार किसमें शामिल हो रहा है, 51वीं जो संचयी आवृत्ति है उसमें शामिल है, तो मध्य का संख्या 38वां पद प्रथम बार CF 51 में शामिल है, जिसका मूल्य जो है या जिससे संबंधित मूल्य जो है वो 7 है। इसका मतलब हमारी जो मध्य का है, चौथा पॉइंट, मध्य का जो है वो कैपिटल M जो है वो कितनी होगी, 7 होगी, मध्य का हमारी कितनी है 7 है, तो इस तरह से हम मध्य का ज्ञात करेंगे, मध्य का हमारी कौन सी है 7 है। इसमें देखो, इसमें अगर आप अब इसको देखते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको पहले कहा था कि ये मध्य का जो होती है ना हमेशा सेंटर का मूल्य होता है, यानी कि जितने मूल्य इससे आकार में छोटे होंगे उतने ही बड़े होंगे। अब इस हिसाब से तो देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो 7 अपने मध्य का ज्ञात की, मध्य का से छोटे मूल्य 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए, 3, 2, 5 हो गए, छोटे मूल्य कितने हैं 3 हो गए, फिर इसका मतलब ये तो मध्य का रहे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रेणी कौन सी है, यहाँ श्रेणी खंडित है, आवृत्तियां दी हुई है, इसका मतलब ये है कि आवृत्तियों का जवाब जो है ना कहीं बीच में 7 की तरफ है,
मध्यकाल संख्या सात ही कैसे है? अगर आप देखो इस क्वेश्चन को हम व्यक्तिगत श्रेणी से करते, आप जैसे इस क्वेश्चन को हम इसको चेक करते हैं कि मध्य का जो हमारी सात आई थी वो मध्य का ही अंक है या कोई और अंक है। देखो दो पद कितनी बार है? दो बार। इसके बाद में तीन पद कितनी बार है? तीन बार, तीन बार है। इसके बाद में चार पद कितनी बार है? आठ बार, आठ बार। इसके बाद में पांच पद कितनी बार है? दस बार। दस बार, दो चार छह आठ, दस बार हो गया। छह पद जो है वो बारह बार है। छह पद हमारा कितनी बार है? बारह बार। ये हो गया बारह बार। सात पद जो है वो कितनी बार है? सोलह बार। एक दो सोलह बार। इसी तरह से आठ पद कितनी बार है, नौ पद कितनी बार है और दस पद कितनी बार है सब लिख लीजिए। अब अड़तीसवां पद देखो कौन सा है। अड़तीसवां पद यह सारा हम लिख लेते हैं। आठ पद देखो, आठ दस, दस बार है ये, दो चार छह आठ दस बार। अच्छा नौ पद आठ बार है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और दस पद छह बार, एक दो तीन चार पाँच छ। अब मध्य का जो है वो सात ही कैसे है और सात ही मध्य अंक कैसे है, ठीक है ये हम बताते हैं। क्योंकि हमारा अभी हमने स्मॉल एन याद किया तो n प्लस वन अपॉन टू वहां पद कौन सा आया था? अड़तीसवा आया था। पचहत्तर प्लस एक बटा दो, छहत्तर बटा दो अड़तीसवा पद आया। अब अड़तीसवा पद देखो इसमें कौन सा है, एक दो तीन चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस, ये हमारी मध्य का है। अड़तीसवां जो पद है वो हमारी मध्य का है। अब आप देख लीजिए इस मध्य का से जितने पद बड़े होंगे उतने पद छोटे होंगे इसके अंदर, इसमें चाहे आप काउंटिंग करके देख लीजिए इसके अंदर। तो इस तरह से हम जो है ना इसके अंदर ये देखो इसमें अब आगे वाले पद जो है ना सैंतीस तक यहाँ पद हो गए और सैंतीस ही आगे पद है इसमें, एक दो तीन बराबर या उससे अधिक हो या कम होंगे इसके अंदर, बराबर वाला भी शामिल करना है यानी सात है ना तो उसको भी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस, यानी कि जो हमारी मध्य का सात है उससे सैंतीस पद या तो इसके बराबर है या इससे बड़े हैं, और सैंतीस पद ही ये जो है क्योंकि अड़तीसवां था तो सैंतीस ही पद या तो इसके बराबर है या इससे छोटे हैं, यानी कि सेंटर का हमारा बिंदु जो है ना वो ये सात जो आया था वो सही है। ये सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए बताया आपको, हमें तो सीधा क्वेश्चन करना है। हमेशा मध्य का जो होती है वो सेंटर का ही बिंदु होता है, हमारा अंक होता है। तो यहाँ हमारा सेंटर कौन सा है जो हमें पचहत्तर मूल्य दिए हुए हैं उसमें जो है एग्जैक्ट सेंटर में होगा वो सात होगा, ठीक है। इससे नहीं देखना क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है, इसमें तो आवृत्तियां हैं तो आवृत्तियों का जमाव ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ सेंटर का कोई औचित्य नहीं है। हाँ व्यक्तिगत श्रेणी में देख सकते हो जब आवृत्तियां दी हुई है तब आपको चाहे वो सेंटर चाहे नहीं आ जाए चाहे वो सेंटर ऊपर ही आ जाए वो डिपेंड करेगा कि आवृत्तियों का दबाव कहाँ है, घनत्व जो है इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो ज्यादा कहाँ है इस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये हमारा खंडित श्रेणी के अंदर सीधा क्वेश्चन करना है आपको। सबसे पहले जो हमें श्रेणी दी हुई है उसको एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी लगाइए, हम उसको बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं घटते क्रम में लगा सकते हैं। इसके बाद में हम जो आवृत्ति दी होगी उसकी सी एफ ज्ञात करेंगे, सी एफ से मध्य का संख्या जो हमारा सूत्र होगा उससे ज्ञात करके ये चेक करेंगे कि प्रथम बार
वो किस सीएफ में शामिल है, जो हमारा मध्य का संख्या का जो है पद है वो प्रथम बार किस सीएफ में शामिल है, जिस सीएफ में प्रथम बार शामिल होगा उसके सामने वाला मूल्य जो है यानी कि उस संबंधित सीएफ से संबंधित जो मूल्य है वही हमारी मध्यिका होगी, उसी को हम मध्यिका मूल्य कहेंगे। ये हमारी खंडित श्रेणी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने अखंडित श्रेणी यानी कि सतत श्रेणी। धन्यवाद।